किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों जो मेरी सीरीज है कि बाग लगाने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसका अंतिम भाग इसमें मैंने तीन बिंदु पर चर्चा करूंगा जो देखने में बहुत साधारण बिंदु लगते हैं लेकिन अगर आप बागवानी में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सफलता का प्रतिशत कम से कम नब्बे प्रतिशत होगा किसान साथियों जो मैंने बताया था इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है और यह लेख मेरी अमेजिंग किसान वेबसाइट अमेजिंग किसान डॉट कॉम पर अमरूद की बागवानी के भाग में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास भी रख सकते हैं चलिए बात करते हैं दसवें बिंदु की दसवें बिंदु में जो मुझसे गलती हुई वह आप न करें आप अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ किसानों की लिस्ट बनाएं उनके बागों में जाएं उनसे बात करें और ये भी देखें कि इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी पड़ती है जिस प्रकार मेरी जो ग्राफ्टिंग पन्नी और कटिंग की समस्या थी आप इस प्रकार कई समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं किसान साथियों जो मेरी ग्यारहवीं गलती थी वो ये थी कि प्रयोग न करना जो मैंने अपना दो एकड़ में अमरूद का बाग लगाया वो पहली बार में ही दो एकड़ अमरूद का बाग लगाया मैंने मेरे पास जितने भी किसान आते हैं सलाह मांगने चाहे वो नींबू के हों चाहे अमरूद के हों तो वो कहते हैं हमें पाँच एकड़ लगाना है तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि आप पहले वर्ष केवल एक एकड़ में लगाइए इससे आपको कई फायदे होंगे एक तो ये फ़ायदा होगा कि कहीं मैं नर्सरी वाला आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा या अपने पौधे बेचने के लिए गलत सलाह तो नहीं दे रहा जैसे बहुत से किसानों ने मुझे बताया कि हमें तो बहुत ज़्यादा पौधे दे दिए और हमें नहीं पता था कि इसको हाई डेंसिटी पर लगाना है दूसरा फायदा ये होगा कि आपको इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उन सब का एक साल में पता चल जाएगा और तीसरा फायदा ये होगा कि अगर आप इसमें सफल होते हैं आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो इसे एक साल के बाद आप बढ़ाना शुरू कर सकते हैं किसान साथियों अंतिम बात आप जब किसानों के पास जाएं या गूगल पर सर्च करें तो इस बात का पता अवश्य करें कि अमरूद में बीमारियां कितनी आती हैं जैसे दो मुख्य बीमारी हैं जिनका के अभी तक कोई ऐसी सटीक दवाई नहीं है जिसका इलाज आप संभव कर सके और कभी कभी ये बाघ के बाघ खत्म कर देती है इसे महामारी का रूप भी बत कह सकते हैं जिनमें से एक मुख्य है आपकी नीमा की बीमारी कुछ लोगों का भ्रम है कि यह नर्सरी से आती है मैं ये नहीं कहता कि यह नर्सरी से नहीं आती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ विशेष राज्यों के कुछ इलाकों में इसका प्रकोप बहुत अधिक है इससे और जो आपके जो रिसर्च पेपर है जो लेख हैं अनुसंधान के लेख है उनसे यह पता चलता है कि जो मिट्टी थोड़ी रेतेली होती है जहां पानी नहीं रुकता पौधे के पास में वहां पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है तो आप इसके लिए अगर शुरू से ही कोई सावधानी लेकर चलेंगे तो आपके यहां इस बीमारी का प्रकोप कम होगा किसान साथियों दूसरी आती है इसमें विल्ट की पता करिए कि मेरे इलाके में कहीं किसी का बाग विल्ट की रोग से खत्म तो नहीं हुआ चूंकि विल्ट एक ऐसी बीमारी है जिसे उकटा रोग भी कहते हैं जो तीन से चार दिन में आपका बाघ का बाघ खत्म कर देती है अगर आपसे सही ने से सावधानी नहीं रखी तो आप इसका शिकार हो सकते हैं किसान साथियों इन बीमारियों का जो मुख्य मुख्य एक लिस्ट बनाइए और यह देखिए कि इनका समय क्या होता है जब आपको ध्यान रखना और उस समय के साथ में आपको अपने बाग में प्रतिदिन या प्रति सप्ताह आपको अवश्य जाना है और यह देखना है कि कहीं हम तो इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकते किसान साथियों में पहले भी कहता था कि कुछ लोग एक चीज पर जीते हैं कि जब आग लगती है तभी कुआ खोते हैं नहीं आप आग लगने से पहले की सावधानी करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा किसान साथियों मेरा एक उद्देश्य है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते लेकिन वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं इस उद्देश्य के साथ मैं कार्य करता हूँ और मुझे आज बड़ा अनुभव हो रहा है और बड़ी खुशी महसूस होती है कि बहुत से किसान जो मेरा पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का उससे जुड़ते हैं इसके साथ हमने पार... एक और कार्य शुरू किया है कंसल्टेंसी का कुछ किसान जो बड़े भी किसान हैं और छोटे भी हैं जो मुझे बाग पर बुलाना चाहते हैं और मुझे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उनके बाग पर भी विजिट करता हूँ जिसके लिए मैं एक फीस चार्ज करता हूँ अगर आप भी इच्छुक हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसान साथियों ये जो 12 चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे बाग लगाने से पहले इन पे कार्य करेंगे इनको ध्यान में रखेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे ऐसा मेरा विश्वास है किसान साथियों ये सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे भारत